मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है। तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा, और अगर तू वैसे करेगी तो इसका मतलब है, इसका मतलब है। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है आज के स्पैंड न्यू ब्लॉग में। तो जी हाँ, शादी की तैयारियों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अब जो आगे नेक्स्ट जो जो फंक्शंस होने वाले हैं उनको आप लोगों को बताएंगे, और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करता जाऊंगा कि उस टाइम में क्या कर रहा था या फिर मैं कहाँ पर था कैसे वगैरह। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने व्लॉग अपलोड किया था, वो एक तो मैंने किया अभी 2-3 दिन पहले था, कौन सा अपलोड किया था, अच्छा बनवारे का किया था हाँ। तो उसके बाद में तो सारे जो ताऊ जी वगैरह हैं जो हाँ उसके बाद में जो सारे ताऊ जी वगैरह उनके यहाँ से भी बनवारा आ गया, और मौसी मौसी नहीं भुआ वगैरह ने सब ने भी दिए हाँ। उसके बाद में फिर था लेडी संगीत थे, अरे कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ही लाइट का भगने का होता है क्या हाँ। उसके बाद जो प्रोग्राम था वो था लेडी संगीत। लेडी संगीत में मैं कहाँ था, लेडी संगीत में शायद मैं हाँ मैं अपने एक रूम में था, क्यों जो दूल्हा वगैरह रहता है तो एक रूम रहता है जहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि तुम अब इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे, इसी रूम में रहोगे जब तक कि तुम्हारी हल्दी वगैरह लगेगी। तो मैं जहाँ पर ऑब्वियसली पूजा वगैरह की जाती है उसी वगैरह उसी रूम में मैं था। तो मैं लेटा हुआ था तो मेरे से मिलने के लिए आ रहे थे हाँ, सुबह से काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, क्यों जो जो भी रिलेटिव वगैरह है यार दोस्त वगैरह वो सभी मेरे से वहीं पर मिलने के लिए आ रहे थे, और बाहर लेडीज संगीत का प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो गया था हाँ। तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डांस वगैरह किए छोटी बोले ढूंढे गेल हलूंगी बावन गज का दमन
राइट गाइज, यार वैसे भी लेडी संगीत में मैं बस एक दो मिनट के लिए था, और मैंने देखो कैसा वो लोवर टी शर्ट पहन रखे थे। 7 दिन तक मैंने शायद उसी कपड़ों को पहन रखे, उन कपड़ों को फिर हम बाद में नहीं पहन सकते, ये रिवाज है। फिर मम्मी के मायके की तरफ से जो भाती वगैरह आते, भात वगैरह देते, वो आ गए, तो उनका 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 भी स्वागत किया और उनको भी लेके आ गए डीजे से ही। और उसके बाद में हाँ, वो सारे मेरे से मिलने वगैरह के लिए आए, और फिर वो लेडी संगीत का वही प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए चल गए। तो उसके बाद में चाक का प्रोग्राम हुआ, और चाक के प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा ही खुशी थी मेरे मामा को, वो पूरे चाक में नाश्ता हो गया, देखो यार आप लोग। जाने दे, जा जाने दे, ओ, प्यार का कैसा होश चढ़ा है, होश नहीं।
सो ऑल राइट गाइज, यार चाक का प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उसके जस्ट बाद में मैं नहाया धोया और उसके बाद में भात के लिए बैठा दिया मेरे को भात का प्रोग्राम करने के लिए। जुग जीवे भैया भाभी जी भात वगैरह देने के बाद में फिर सीधे के सीधे ही खाना वगैरह के लिए खिला दिया हम लोग सभी लोगों ने, क्यों खाने का प्रोग्राम रात का रखा था। और उसके बाद में सारा खाना खवा पिवा देने के बाद में फिर मैं सोने के लिए चला गया था, क्यों उसके बाद में मेरे को मेहंदी भी लगवानी थी तो मेहंदी भी ऐसी लगे, मैं सारा जल्दीबाजी में ही जो काम हो रहा था। मेहंदी पहले कौन लगाने वाला था, शायद बुआ की लड़की लगाने वाली थी, लेकिन फिर बाद में जाके मौसी की लड़की ने ही लगा दी और पैरों में तो मैंने लगवाई बिना, बस थोड़ी बहुत लगवाई। उसके बाद में फिर मैं सो गया था 10-11 बजे तक तो खाने का ही प्रोग्राम चला, खाने पीने के 12 बजे तक, तो मैं 12 बजे सोया होऊंगा और मेरा नहीं, मैं 11:30 बजे सो गया था। और सोने के बाद में मैं सो रहा था ना, तो एकदम मैं जीजा जी आए, वो मेरे को उठा कर लेके गए और रात के करीबन 1 बजे हम लोग डांस कर रहे हैं, 1 बजे से 3 बजे तक हम लोगों ने डांस किया। भाई साहब जो हालत खराब करी उसकी वीडियो क्लिप्स भी आप लोग देखो।
ऑल राइट गाइस, यार यहाँ पर 1 बजे से 3 बजे तक जो हम लोगों ने मस्तियाँ की उसके तो बात पूछे ही मत। और उसके बाद में फिर हम लोग यार मैंने मेरे ताऊ जी के लड़के अर्जुन से कहा, सनी भाई तो मैंने सनी से कहा तो एक काम कर तो अब इनको बंद वगैरह कर और सोने के लिए मैं तो जा रहा हूँ सुबह। फिर मैंने मेरे भाई से कहा कि सुबह भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं यार, जल्दी मेरे को सोने दे, मैं वैसे भी काफ़ी थका हुआ हूँ, और तुम भी सारे लोग जाकर सो जाओ, कल तुम्हें भी थोड़ा बहुत काम वगैरह करना है। तो इसके बाद में सबको मैंने डीजे ऑफ करके सोने के लिए कह दिया, तो सारे के सारे सोने के लिए चले गए। सो ऑल राइट गाइज, आई होप आप सभी लोगों को इस वाले व्लॉग में मजा आया होगा। ये मैंने आप लोगों को जो जो भी बातें बताई ये 20 अप्रैल 2023 की है और इस दिन ही था ये वाला प्रोग्राम। तो आई होप आप सभी लोगों को इस वाले व्लॉग में मजा आया हो। अगर आप लोगों को मजा आया तो हिट द लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।